तो कुछ ऐसी बात है जो शार्क टाइम में नहीं आई थी और कुछ इम्पोर्टेंट थी आपको लगता है हाँ, वो ऑडियंस को पता होना चाहिए ऐसा कुछ था वन आई स्टार्ट नमिया आई थिंक उस टाइम पे लोगों के पैकेजेस बहुत ज़्यादा थे राइट दे डिड नॉट इवन डिजर्व दैट पैकेज एंड स्टार्टअप्स ने ये फंडिंग ने इतना एम्पलीफाई कर दिया था पूरे इको को बट आई थिंक नाउ द कोर्स करेक्शन इज हैिंग द लास्ट टेन मंथ्स वी ग्रोन ऑलमोस्ट सेवन टाइम्स अच्छा वेरी नाइस या या सो इस आई थिंक अगर इफ वी डू वेल देन यान प्रॉब्ली लाइक गो ठीक कर लेंगे सात आठ सौ परसेंट टाइप का अच्छा uh, हो जाएगा अभी की करंट वैल्यूएशन क्या चल रही है कंपनी उंड सौ करोड़ टाइप का कर, अच्छा, तो, hey, दोस्तों वालों इंटरेस्टिंग जिनका नाम है रिदिमा अरोरा इनको शार्क टैंक की सीजन वन में देखा होगा जहाँ इन्हें अमन गुप्ता जी से फंडिंग में मिली थी और इनकी काफी तारीफ हुई थी इनफैक्ट शार्क ने मजाक मजाक में ये भी बोल दिया था की असली शाख तो रिदिमा अरो जो कि एक आयुर्वेदिक फूड कंपनी है एक मल्टी करोड़ ब्रांड है प्लस रिदिमा जी ने जो स्टॉक्स दिए हुए हैं तीन टेडक्स दिए हुए हैं और इनको यूनाइटेड नेशन सुपर हीरो का भी टाइटल मिला है 2022 का इस पॉडकास्ट में हमने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें की है की शार्कटेक में आने के बाद का उनका एक्सपीरियंस कैसा था कितना उनको फायदा हुआ क्या प्रॉब्लम हुई क्या एडवांटेजेस मिले शार्कटेंग से रिलेटेड कुछ अंदर की बातें भी शेयर हुई है जो पक्का आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और काफी काम की बातें भी आपको सीखने मिलेगी इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना नाउ लेट स्टार्ट तो so, हेलो जी आपका स्वागत है डीबीसी में थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ज़्यादातर आपको शार्कटिंग से जानते होंगे yeah. बट मैंने आपका जो स्टॉक भी देखा yeah. और जो स्टॉक में वो बहुत अच्छा लगा तो उसकी कुछ उससे ही कुछ चालू कर दिया जो स्टॉक कैसे हुआ था और उसकी उसमें जो स्टोरी आपने बताई थी वो काफी इंस्पायरिंग थी पावरफुल थी तो वो मैं चाहूंगा थोड़ा उससे स्टार्ट करें जो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली कैसे हुआ था वो हमारे एक्चुअली फैक्ट्री में Uh, कुछ तीन चार महीने उससे पहले स्टॉक होने से पहले कुछ गो लोग आए थे गूगल का शूट था एंड hmm. uh, वो लोग ओरिजिनली जो स्टॉक में काम करते थे बट hmm. वो गूगल की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट था शायद स्टॉक ने लिया हुआ तो उसका शूट कर रहे थे वो लोग एंड आई थिंक पूरा एक डेढ़ दिन थे वो वहाँ पर और काफ़ी एक्सटेंसिव शूट था गूगल का hmm. तो उसके उस टाइम पे एक्चुअली काफ़ी इंटरेक्शंस मेरी उनसे हुई और फिर काफ़ी सारे हमने पूरा बैकग्राउंड बताया कि अच्छा क्यों शुरू किया कैसे शुरू किया प्रोडक्ट्स दिए उनको मैंने कि तुम ट्राई करके बताओ तुम्हें कैसे लगे सो दे एक्चुअली गॉड इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट अलॉट एंड फिर क्योंकि कुछ शॉर्ट्स मेरे घर पर होने थे तो मेरे पेरेंट्स थे वहाँ पर तो देन माई फादर एंड टेलिंग कि कैसे मुझे लिवर से था और इसको लगा कि Uh, यही काम करना है एंड ही एक्सप्लेन द होल स्टोरी एंड दे काइंड ऑफ रियली टॉकिंग टू माई मदर एंड ची सेट कि नहीं हमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की है कि लड़की हो लड़का हो एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट एंड आई थिंक टू टू एंड हाफ मंथ्स लेटर आई जस्ट यू नो गेट अल फ्रॉम देम कि अच्छा हम वो आपका शूट करने आए थे वी रियली लाइक योर स्टोरी कैन वी शूट यू फॉर फॉर जोक्स एपिसोड एंड इससे पहले ना मेरा कभी फॉर्मल कोई मतलब uh, मैंने एलोक्यूशन और डिबेट्स बहुत किए हैं uh -huh. स्कूल में बट ऐसा कभी कोई फॉर्मली मैंने आकर कभी ऐसा कभी कुछ किया नहीं था तो आई uh, थिंक अच्छा था इंटरेस्टिंग था एंड मेरे को ना बहुत आदत नहीं है कि अपने दुख बताओ uh -huh. या अपने स्ट्रगल्स बताओ यू नो लाइक आई गेट वेरी यू नो लाइक ऑकवर्ड टेलिंग दैम तो मैंने कहा ये कैसे जाकर अभी ऐसे अपना बताए सब कुछ बट आई थिंक दे मेक यू वेरी यू नो लाइक कंफर्टेबल आई मस्ट अपलोड लाइक नाउ आई हैव अ चांस टू दैट दैट आई आई थिंक मस्ट दे रियली इज टू मी आउट एंड आई थिंक काफी व्यूज उसके ऊपर शायद हाँ दो, दो मिलियन के ऊपर मिलियन के ऊपर व्यूज कई बार सिर्फ शार्ट टाइम पे तो वो बैक स्टोरी नहीं पता आपने क्यू स्टार्ट किया है लेकिन वहाँ पे आपने बताया क्यू एक्जैक्टली स्टार्ट किया तो वो शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी क्यू आपने एक्जक्टली स्टार्ट किया एक्चुअली हुआ क्या था कि एक तो मैं मोटी बच्ची थी बचपन में अच्छा तो मैं कुछ छियासी किलो की थी ओके okay. और uh, क्योंकि मुझे अपना वज़न कम करना था एट अ सर्टन एज तो uh, मैंने काफ़ी सारा एक्चुअली मैंने वज़न तो कम कर लिया आई लॉस्ट अबाउट थर्टी थर्ट टू के जीज दैट टाइम ओके तो मैंने जैसे ही वज़न कम किया ना मुझे समझ में आया कि ये तो गलत तरीके से वजन कम किया है एंड आई हैड इशूज इन माई नीज एंड ऑल मैंने बिल्कुल घी बंद कर दिया आ, ये जो बाहर आपको कुकीज मिलती है ये जो हाई प्रोटीन हाई फाइबर ये सब खाना पता ही नहीं कि प्रजर्वेटिव है तो नहीं खाना है राइट right, पता ही नहीं कि दाल चावल में न्यूट्रिशन है राइट right? mm -hmm. वो जैसे लोग फैट डाइट की तरफ पहले चले जाते हैं सो ऑल ऑफ दैट हैपेन्ड टू मी एंड आई रियलाइज कि माई हेल्थ डिटीरिएटेड एट अ लेवल दैर आई कुंट इवन इमेजिन राइट सो बाय द टाइम आई टर्न ट्वेंटी फाइव आई एक्चुअली लॉस्ट ऑल द चार्मऑ ऑफ माई फेस तो देन आई रियलाइज कि ये तो गलत हुआ है देन आई स्टार्टेड यू नो रीड डूइंग एवरी थिंग तो मैंने फिर न्यूट्रिशन की काफ़ी बुक्स पढ़ी कोचिंग कर डाली सर्टिफिकेशंस uh, की नाउ आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड आल्सो या या सो आई वेंट वेरी डीप इनटू इट राइट बट फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि दिस कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन राइट एंड देन देन 2018 माय फादर हैड अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन लिवर सिरोसिस तो डॉक्टर क्या said, होता है ये बीमारी एग्जैक्टली तो so, मैं बताती हूँ क्या होता है कि जैसे आप बाहर का खाते हैं ठीक है, hmm. है? या आप शराब पीते हैं hmm. या आप जंक फूड खाते हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं लिवर को इफेक्ट करती हैं ठीक है तो होता क्या है कि आजकल देखो जैसे हर तीसरे आदमी को फैटी लिवर है तो फैटी लिवर क्या है फैटी लिवर यही है ये जो आप हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं इनकी हरकतों का कारण फैटी लिवर है ठीक है और फैटी लिवर तो डॉक्टर भी अब हल्के में ले, ले लेता है अच्छा सबको ही होता है जी आपको भी हो गए हाँ तो ये फैटी लिवर अगर आप अपनी आदतें नहीं चेंज कर रहे हैं अपनी फूड हैबिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं धीरे 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 कैंसर में बदलता so the okay. right? है सो देन द टर्म इज़ कॉल्ड लिवर सिरोसिस राइट उसमें स्टेजेस होती हैं स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री एंड आफ्टर यू नो आफ्टर यू हैव योर सिरोटिक लिवर टर्न्स स्टेज थ्री पोज दैट इज़ कैंसर देन दैट द ओनली उसमें तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है फिर मोस्ट केसेस में राइट right? क्योंकि बॉडी तैयार ही नहीं होती है ट्रांसप्लांट के लिए बॉडी को तैयार करना पड़ता है इट्स नॉट आपका ऑर्गन निकाल कर दूसरा ऑर्गन डाल रहे हैं इट अ बिग डील राइट तो काफ़ी टाइम तो फिर कैंसर तक पहुँच जाता है तो यू नो यूजली थिंग्स गेट वेरी ब्लीक बट येस दिस इज लिवर से एंड माई फादर हैडेड बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन हर छोटी बात पर दवाई okay. खा लेनी हर छोटी बात पर ही वॉज नॉट ही वॉज नेवर इन टू एल्कोहल बट हर छोटी बात पर दवाई खानी तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ रीजन्स गॉट हिम टू इट एंड बिकॉज इट्स अटाइल प्रॉब्लम सो लॉर्ड ऑफ इट कैन गेट रिजॉल्व बाय द फूडिंग राइट तो वैन वी स्टार्टेड गोइंग टू डॉक्टर्स कोई बातें नहीं कर रहा था ये दवाई खा लो जी ये प्रोटीन पाउडर एंड देन आई रियलाइज कि डॉक्टर पहले साल के बाद तो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रहा

पुरानी एनर्जी के बारे में या अगर चीज़ के ऊपर प्रेजरवेटिव लिखे हैं या अगर चीज़ के ऊपर यू नो ये लिखा है कि इसको दस दिन बीस दिन पच्चीस दिन के बाद भी खा सकते हो यू नो इट हैज़ इट्स ओन साइड इफेक्ट वो लिवर को इफेक्ट कर रहा है राइट उसके बारे में कोई मैंशंस नहीं थे सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिल्ट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी कि ये करना है एंड देन आई थिंक बैक दैन द मार्केट वॉज फुल ऑफ यू नो मखाना एंड रोस्टेड चना इन द नेम ऑफ हेल्थी राइट right? तो आपको एक्चुअली अगर सही से जीना है तो आपको कुछ तो जड़ी बूटी होगी कुछ तो चीज़ें होंगी ना जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा के आप अपने आप को हील कर सकते हो खुद ताकि एलोपैथी yeah. पे ना जाना पड़े एंड एलोपैथी इज़ नॉट द सोल्यूशन बिकॉज उसकी अपने साइड इफेक्ट्स इतने हैं right. जिनके बारे में बात नहीं हो yeah. रही है सो देन आई यू नो फेल दैट यू नो वी शुड डू समथिंग इन आयुर्वेदा एंड वी शुड डू दीज फॉर्मलेशन दैट कैन अपील टू यंगर जनरेशन लाइक यू राइट मोस्ट पीपल लाइक ये तो गोली चीरन है इसको क्यों खाएंगे हम ये तो यू नो दिख अटैच टू इट सो वी फेल दैट टू बी समिंग इंटरेस्टिंग फॉर्मैट यू नो दैट कैन बी रिप्लेसूटेड विद वॉटर हैज द होल हेल्थ विच कम्स फ्राम आयुर्वेदा सो आई थिंक दट वॉज द कॉन्सेप्ट अच्छा ये चीज मैंने नोटिस करी और बहुत यूजअली हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ज्यादा कॉमन है देखना हाँ,

Uh, नहीं देखो लिवर सिरोसिस का क्योर नहीं होता hmm. ठीक है लिवर सिरोसिस तक अगर आपका लिवर पहुंच देखो फैटी लिवर को रिवर्स करना आसान है hmm. बट अगर आप लिवर सिरोसिस तक पहुंच चुके हो hmm. तो ऐसा हो सकता है कि स्टेज बी से स्टेज ए आ जाओगे hmm. राइट hmm. बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि इट गोज़ बैक टू नॉर्मल राइट बिकॉज ये रीजनरेटिव नहीं है आपका एक पुर्जा खराब हुआ आई एम जस्ट यूजिंग अ लेम एंड लैंग्वेज तो वो हील होना मुश्किल है राइट right? वो बेसिकली क्या होता है लिवर का कुछ पार्ट हार्ड होने लग जाता है राइट okay. सो right? so, वो हार्ड हो गया है तो उसको यू नो रिवर्स करना टफ है बट यू कैन स्टेबलाइज इट एंड पीपल इवन विद थर्टी थर्टी फाइव परसेंट फंक्शनिंग लिवर देर हैव बीन केस स्टडीज देर हैव बीन केसेज वेयर पीपल हैव लिब्ड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स राइट विद थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑफ वर्किंग लिवर राइट सो इवन इफ यू कैन अचीव दैट विद लाइफ स्टाइल चेंज आई थिंक इट्स ह्यूज

ये जो मिलीनियल्स को आदत है कि क्विक सॉल्यूशंस मिलने चाहिए ऐसे नहीं चलती है लाइफ राइट यू हैव टू या जल्दी बताइए आप हाँ एक साल में कैसे स्टार्टअप बनाना है यूनिकॉर्न बनना है ये तो देखो एक साल में अगर स्टार्टअप बनाना है तो मत बनाओ यही मतलब ये क्वेश्चन करते हैं है दस साल है। का हराइजन लेके ही आई थिंक चीज़ों को देखना चाहिए आई मतलब अगर मुझे बोलोगे कि यार पाँच साल में या तो आपका ऑब्जेक्टिव ही फिर यही है कि एग्जिट ले लो राइट मोस्ट पीपल एक्चुअली स्टार्ट फॉर दैट आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग बट बॉडी को तो एग्जिट नहीं ले सकते एटलीस्ट right. आपको वो भी प्लान हो <laughs> <laughs> <जली दिए। laughs> तो अगर लाइफ के एंड तक बॉडी लेके जानी है तो थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा right.

benefit that we got was of the fact that pandemic hit and we launched hmm. March 2020 timing. yes absolutely I think कुछ तो फिर divine timing की तारी. बात होती है March 2020 the pandemic hit and March 2020 is when I launched my website and released my first uh, you know lot of products I think because हम काफी relevant चीजों के बारे में बात कर रहे थे किसी ने हमें कहीं देख लिया video में बात करते हुए and they started picking our stories राइट okay. सो right. so, कुछ एक थोड़ा एक बेसिक कंटेंट था हमारे पास आई थिंक बाय देन सो बैचेस वर स्मॉल सेल्स वर स्मॉलर बट प्रोडक्ट वैलिडेशन हम कर चुके थे उससे पहले आई थिंक बाय द टाइम वी रीच शार्क टैंक वी हैड इनफ डेटा टू वैलिडेट की प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं सो आई थिंक वी हिट द शार्क टैंक अपॉर्चुनिटी राइट वेनो एवरी थिंग सेट एंड वी जस्ट हैड टू यू नो टेक ऑफ

रहता है तो नहीं, बिल्कुल होता होगा, होता होगा होगा कुछ कुछ लोगों को उन्होंने उन्होंने सीजन सीजन में मतलब हाँ, मतलब अच्छे आ, लगे होंगे ये तो मतलब yes, हाँ. yes, तो पहला सीजन था तो बैलेंस भी करना था दे पिक्ड नो ओपन दी एंट्रीज आई एम श्योर वहां से भी लोग सिलेक्ट हुए होंगे का प्रोसेस तो था मतलब इवन इफ यू हैव हंड्रेड पीपल विद यू इस्पेक्टिव उन्होंने एंट्रीज भरी या वो आपने उनको बुलाया उसके बाद प्रोसेस तो वही था एवरीबडी okay, uh, है स्क्रीनिंग होती हैं तीन दो स्क्रीनिंग्स थी उसके बाद फाइनल एपिसोड uh, था जो आप देखते हो बेसिकलीट्स दैट्स कॉल्ड द स्टूडियो राउंड Okay. तो उससे पहले दो स्क्रीनिंग्स हुई थी मेरी जिसमें आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वर आस्ट फ्रॉम यू नो पिचिंग टू डेटा कितना रेवेन्यू कैसे आ रहा है क्या कर रहे हो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द फाइव प्लान ऑल ऑफ दैट डिस्कस्ड

आपको बस एक सीक्वेंस में उन चीज़ों को बताना है तो इट्स नथिंग वेरी हाई फाई आई मस्ट से ओके और mm -hmm. उसके बाद अच्छा वो ये भी मैंने सुना था कि जो मेन पूरा इंटरव्यू होता है वो घंटों चलता है और उसके कुछ ट्वेंटी मिनट yeah, से दिखाते yeah, हैं ये yeah, सही yeah. है कि ऐसा? हाँ बिल्कुल मेरा डेढ़ घंटा चला था डेढ़ घंटा चला, था। चला था। मेरा डेढ़ घंटा चला था बहुत बातें हुई थी सबसे बातें हुई थी जो आया है पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट हाँ वो चौपा तो कुछ ऐसी बात है जो शार्क टाइम में नहीं आई थी और कुछ इम्पोर्टेंट थी आपको लगता है कि हाँ वो ऑडियंस को पता होना चाहिए ऐसा कुछ था देखो मुझे बहुत याद तो नहीं अब क्या क्या, -क्या बातें हुई हाँ. थी इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक ईयर मोर देन एक्चुअली बट मुझे इतना याद है कि बहुत हेल्दी डिस्कशन थी तो उन्होंने बस ये आई थिंक मेरे लिए जो पर्सनली जो मैंने वहाँ से एक बात पकड़ी थी वो ये था कि बहुत कॉन्टेंट क्रिएशन का काम है इसमें

इतने लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राइट पीपल आर एक्चुअली स्विचिंग चॉइसेस, पीपल आर वांटिंग टू गो बियॉन्ड

राइट right. और मुझे भी ऐसा लगता है ना बोलते हैं नहीं से है। नहीं है है नहीं। नहीं। मुझे लगता है लोग नहीं अब जॉब्स बहुत सारे हैं। you know, अगर like... आप अच्छे हो yeah, अगर yeah, आपके अंदर yeah. टैलेंट है तो मैं हम लोग सब ढूंढ रहे अच्छे लोग ढूंढ yeah, yeah, रहे, yeah, रहे। yeah, क्योंकि हायरिंग में जितने बात करता हूँ सबके एक प्रॉब्लम yeah, रहती है हायरिंग अच्छी क्वालिटी हायर नहीं हो पाता आपको भी कुछ हायरिंग में प्रॉब्लम थे Right. they did not even deserve that package and startups ne, ye funding it's diya amplified pure ecosystem ko, but i think now the course correction is happening and in the, in the next i feel in the next one and a half two years this co course correction will keep happening hmm. to the extent that maybe in 2025 you will have much better people at the required you know number at which they're coming

राइट right. अच्छा आपने शॉर्ट टिंग में जब गए थे उससे पहले और शॉर्ट टिंग के जस्ट बाद आपको कितना डिफरेंस दिखा उस अपने बिजनेस में ग्रोथ मिला बूस्ट मिला या फिर उसके बाद क्या हुआ देखो जिनको भी ग्रोथ दिखा या इम्प्रूवमेंट दिखा इट वाज फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स राइट बिकॉज़ आपकी ऑर्गेनिक सर्चस बढ़ जाती हैं यू नो योर ट्रेंड्स शूट अप

अच्छा या या इस अगर ठीक we well, we'll like कर लेंगे सात आठ सौ परसेंट टाइप का अच्छा uh, हो जाएगा अभी की करंट वैल्यूएशन क्या चल रही कंपनी गुड क्वेश्चन यार अब मैंने if ना एक्चुअली करवाई नहीं है अच्छा, बहुत देर हो गई है बट आई थिंक एमआरआर के हिसाब से हमारा इस समय होगा

वी माइट बिकॉज देखो फंडिंग का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आपको एक आइडिया मिल गया है यू हैव नो प्लान इन प्लेस और बस इसको आप शूट करवाना है राइट देन इज वैन आई मीन आई फील कि फंडिंग तब लेनी चाहिए एंड आई थिंक वी आर एट दैट स्टेज

राइट वाई वी हैड गुड प्रोडक्ट्स राइट वी वर ऑर ऑल ओवर द प्लेस हम डिजिटल भी कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी कर रहे थे हम फार्मेसीज भी ट्राई कर रहे थे हम एफ एम चीज स्टोर्स भी ट्राई कर रहे थे हम यू नो वी वर ऑल्सोप्शन टेन प्रोजेक्ट देट वर ऑन राइट बट आई डेंट नो कि ये कौन सा प्रोजेक्ट इसको सौ से हजार लेके जाएगा राइट सो वी आई डेंट क्लैरिटी इन माई हेड अभी क्लियर हो हाँ अब या वी डन इनफ टू बी एबल टू डू दैट सो इट टूस मी ऑलमोस्ट अयर टू बी एबल टू फिगर आउट की हमें चाहिए क्या और हमको कहाँ से कहाँ लेके जाना और किस तरीके से जैसे वो थोड़ा बता सकते हैं मतलब क्या फिगर आउट हुआ आई थिंक फॉर ऑल दिंग हम लोग uh, इंडिया में डिजिटल है You know, hmm. so करेंगे तो इंटरनेशनल था कैन कर रहे हैं बट हम उसपे अब एक तरीके की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है टू बी एबल टू स्केल इट अप क्विकली राइट दैट एंड ऑफलाइन में हम बहुत ही नीच स्पेसिफिक पॉकेट्स में प्रेजेंट होंगे Hmm. जहां पे हमें लगता है कि कंज्यूमर को हमें टच एंड फील करवाने की जरूरत है सो इल बी वेरी डिसाइडेड स्पेसिफिक प्लेसेस सो अभी तो बिजनेस प्लान यही है एंड मोस्टली वी आर पिकिंग अप फंडिंग फॉर क्रिएटिंग अ मिड लेवल मैनेजमेंट राइट बिकॉज वो भी एबसेंट थी हमारे इको में एंड यू नीड काइंड ऑफ पीपल टू यू नो एलोकेट अभी आई थिंक वी वी रीच द प्लेस वेयर यू नो वी नीड स्टार्टिंग राइट बहुत काम मैं खुद कर रही थी अब मुझे एलोकेट करके ज्यादा स्ट्रेटेजी पे ध्यान देस प्लीज वी रीच डेट स्टेज नाउ अब इससे पहले नहीं थी वो हमारी स्टेज सो हाँ अगर आप प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट पहले वेलीडेट करे अच्छे से एंड देन यू नो लाइक आई सेट यू नो है प्लान इन प्लेस एंड देन स्केल इट अप एंड यूज द फंडिंग फॉर इट बट कुछ लोग होते हैं जैसे टेक एनेबल्ड uh, काम कर रहे हैं आप उसमें आपको uh, टेक यू हैव टू हायर टेक गाइज यू नोर प्रोबली एट फिफ्टी सेवनटी लैक्स पैकेज राइट बिकॉज अगर टेक हैवी काम है तो यू नीड का उसमें आपको शायद इनिशियली फंडिंग उठानी पड़े राइट तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस

यूएस के शार्क टैंक में ना एडवाइन उनका नाम बोल गया मैं उनकी बुक है पावर ऑफ ब्रोक करके okay, तो okay. वो यही बोलते हैं कि यार जब पैसा आता ना तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन पैसे से ही दिखता है, है जबकि जो अच्छे बिज़नेसेस होते हैं वो लोग right, वो एकदम एंड रिसोर्स पहले खुद मतलब सिस्टम एंड प्रोसेस ये सारी चीज़ें अच्छी करते हैं या yeah, yeah, तो कैसे कैसे मतलब पैसे थे ही नहीं ना हाँ, <laughs> तो ज, कैसे एग्जैक्टली exactly. <laughs> पैसे थे ही नहीं और जब आप धंधा कर रहे होते हैं तो आप फालतू चीजों पे पैसे मतलब इट्स नॉट फालतू बट आप जब प्रोडक्ट के लेंस से देखते हैं तो आपको हर चीज दिखती है आपको प्रोडक्ट फर्स्ट दिखता है राइट right? तो अगर मुझे लाख रुपए का केसर यूज करना है मुझे कश्मीरी राइट हाँ, हाँ। right? तो मेरे अभी आपने कितना साल हो गया उसमें टॉप थ्री लेसन आपने जो मतलब सीखे आपके हिसाब से अगेन वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मतलब रियलिस्टिक रहो ऐसा नहीं है कि मतलब बकवास कुछ बना लिए और फिर लगे हो उसके ऊपर दैट डजेंट वर्क बट आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉट ऑफ पीपल ड्रीम बिग बीच में छोड़ देते हैं या एंड सेकेंड आई थिंक पेशेंस बिजनेसिस आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टार्टअप बट बिजनेसिस टूडे आर अ लॉट ऑफ पेशेंस गेम तो पेशेंस होना जरूरी है ऐसा नहीं कि आज नहीं चल रहा है छोड़ दो अगर पता है कि चल जाएगा कंज्यूमर भी कह रहा है मुझे चाहिए एंड यू डन द बेसिक वाइटल्स राइट कि कंज्यूमर रिक्वायरमेंट है मार्केट है मे बी अर्ली इन द मार्केट हो मे बी लेट इन द मार्केट हो दो सेकेंडरी थिंग्स राइट बट अगर आप पास सौ दो सौ लोग हैं जो कसम खा के कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा wow. है तो चलाते रहो चल जाएगा इट विल स्केल अप राइट एंड थर्ड अगेन आई वुड से कि स्टे इन टच विद द कंज्यूमर बहुत लोग ना मतलब दे इधर दे स्टार्ट लविंग द प्रोडक्ट सो मच और थिंक हम जो बना रहे हैं बहुत अच्छा है राइट बोहोत दिचुएशन वेरी बैड टॉक टू यूर कंज्यूमर राइट पुश देम टू से अच्छा हमें हम बताओ क्या कमी है राइट दैट एल हेल्प यू यू नो की

थर्ड वी डू वेरी वेल हम हमें बहुत अपनी औकात पता है हम कहाँ हैं कहाँ गलत है रोज पूछते हैं टीम नॉट फ्रॉम मी फ्रॉम द कंज्यूमर कंज्यूमर बोल रहे भाई निकालो एंड लाइक हाँ निकालते हैं हम लोग मतलब कॉम्प्लीकेट कर देते हैं कोई चीज है नहीं, नहीं। राइट कस्टमर से पूछो ना सो क्या चाहिए वो बताएगा आपको क्या चाहिए ये लीन स्टार्टअप बुक में भी ना वही ऑथर बताते हैं अरिक रईस पेपाल के फाउंडर्स में से एक थे वो वो भी यही बताते हैं कि आप बिल्ड करो फिर एम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ फिर जो फीडबैक मिल रहा है उस पर इटरेट करो मैंने पढ़ी मैंने करा यही है ये हाँ, वही है वही कॉन्सेप्ट है उसको करते रहो आप वो साइकिल चलाते या, रहो चलाते रहो तो वही समराइस अगर मैं करूँगा आपने वही तीन लेसन ये बताया आपने परसिस्टेंट रहो अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर बिलीव है दिल से कि हाँ ये काम करता है तो परसिस्टेंट रहो पेशेंस रखो अगेन बिलीव है प्रोडक्ट पर तो टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा और लास्ट अपने कंज्यूमर से आप फीडबैक uh, लेते रहो और ग्रो uh, करते रहो चेंज करते रहो right. जैसे इंस्टाग्राम भी जब स्टार्ट आया था yeah. तो इंस्टाग्राम एक फ़ोटो वाला ऐप था ये लोकेशन बेस्ड था correct, वो लोकेशन दिखा correct. मैं आ गई वहाँ गई बट based. फिर वो लोग ने चेक किया कि यार हमारे यूजर्स तो ज़्यादा फोटोज डालने में इंटरेस्टेड है right. तो वो लोग ने वो चेंज करके फोटो का ऐप बनाया और अब देखो वो लोग वीडियोज़ में जा रहा है क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा चल रहा है तो वही एक कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है अच्छा शार्क टाइम में बहुत से लोगों को शार्क टाइम में जाना रहता है तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ और इसली बताऊँ मतलब आई बी आई शुड बी द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मैं तो बड़ी अनप्रिपेयर गई थी एंड आई थिंक इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन द इन द आल्सो आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर विद हम क्या धंधा करते हैं राइट right? मुझे तिनके से लेके सबसे बड़ी चीज़ जो हम करते होंगे मुझे पूरी नॉलेज है क्योंकि पूरा बिजनेस मैंने हाथों से बनाया है राइट दैट्स वट आई डेड रोफ्ट माई जॉब तो आई थिंक अपना धंधा जो करते हो उसको अच्छे से समझो और शार्क टैंक के लिए मत समझो मतलब अपने लिए समझाओ फॉर ये समझेंगे हाँ तो मतलब ऐसा वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आपसे पूछेंगे right. आपको आपका धंधा पता है तो दैट इज एनफ एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा प्रेपरेशन करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है बी कॉन्फिडेंट नो नो योर नंबर्स आई मीन वो तो वैसे भी पता होने चाहिए डिंट हैव एनी प्रपरेशन डन लाइक वैन आई वेंट वी डेंट इवन नो वट टू एंटिसिपेट

ज गट फीलिंग यू नो दैट दैट टेल्स दैम की नहीं आ रही शायद ट्वेंटी परसेंट के सी आर जी एस सी ए जी आर पर ग्रो करेगा राइट सो एवरीबडीज लुकिंग एट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेवल कुछ करके दिखाई हाँ बट आई थिंक फाउंडर्स कॉन्फिडेंस फाउंडर्स नॉलेज फाउंडर

टॉपिक हो सकता है बट करंटली एवरीबडी इज़ टू मच इन्वॉल्व इन माया माया इज़ लाइक मुझे पैसा चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए मुझे ये एंड इन द मिड्स ऑफ इट एवरीबडी हैज़ लॉस्ट कि ये जो मनुष्य जीवन है ये दिया क्यों है भगवान ने राइट नाउ आई बिलीव अ लॉट इन सनातन धर्म मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ हैं इट इज़ अ लॉट ऑफ यू नो डिवाइन पावर दैट इज़ अराउंड अस राइट तो हम ये जो डिप्रेशन ट्रॉमा एक्चुअली ये जो दिस ओल गेम वेर वी वॉन्ट टू एक्चुअली यू नो रन फॉर मनी एंड रन फॉर फेम रन फॉर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स यू नो इट्स पार्ट ऑफ माई एंड आई एम नॉट से आप मत करो बिल्कुल करो बट स्टे वेरी अटैच टू और कनेक्टेड टू यू आर इन एक्चुअल बींग एंड आई थिंक वो वेल बींग की शुरुआत होती है फिजिकल बॉडी से राइट तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को हील करेगा धीरे धीरे आई थिंक वी विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स एट विल हील यू एट योर मेंटल लेवल आई विल हील यू एट योर सबकॉन्शियस लेवल राइट सो इट विल बी सीरीज ऑफ थिंग्स एट वी विल डू बट जस्ट टू यू नो प्र लाइक गिव यू अ स्नैप ऑफ़ इट आई थिंक वी विल कवर मोर कॉमन इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड राइट जैसे अभी हमने लेटेस्ट um, अभी यू नो वी लॉन्ट समथिंग फॉर एनजाइटी वी लॉन्ट समथिंग फॉर स्लीप इश्यूज स्लीप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एज समी हुक्सपीरियंसड आई कैन टेल यू दैट अगर आप ढंग से सो जाओ आपसे आपकी आधे से, आप से ज्यादा बीमारियाँ वहीं ख़त्म हो जाती राइट राइट अगर आप ढंग से तीन बार खा लो दिल राइट न्यूट्रिशनली

Remove yourself from your, you know, hodgepodge and daily life schedules. I think that'll be one. Mm -hmm. um, I think mental well-being is going to be a big part of it, right? And uh, all of these things are very interconnected. You know, like I'll give you an example, um, just so that you know we understand it better. Um, uh, a lot of women with PCOS and PCOD, right, um, have issues with hormones and you know different multiple issues, right? Mm -hmm. एंड द मोमेंट वी टेल देम कि आप मून uh, एनर्जी में पानी मून में रात में आप मून uh, की अनर्जी में पानी रख के सुबह उसको पी लो डेट एक्चुअली स्टार्टिलेटिंग मून साइकिल एक्चुअली रेजोनेट्स विदियड साइकिल राइट एंड जिनकी मून एनर्जी वीक होती है hmm. उनको भी पी सी ओस पी सी ओ डी और ये यूट्रस रिलेटेड इशूज होते हैं okay. तो आई थिंक द यूनिवर्सल एनर्जी एंड आर एनर्जी इज वेरी इंटरकनेक्टेड राइट तो उसका वापस कनेक्शन लाकर लोगों को एजुकेट करना आई थिंक इवेंचुअली वी वीड वॉन्ट टू डू दैट ओके हाँ नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स सा आपने बताया बहुत एनजाइटी और आजकल तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ मुझे भी हुई एनजाइटी बहुत बार मुझे भी होती <coughs> है ऐसा नहीं है आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ वी आर एज अन बींग आपको सारे चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए बट हर चीज को सेम तरीके से देखना चाहिए और सेम तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए एनजाइटी hmm. कुछ नहीं होती है डिप्रेशन कुछ नहीं होता एंड इवन इफ यूर टॉकिंग अबाउट इट दे आर लाइक दिस हाई इंटेलेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी चार टॉक्स होती हैं डिबेट्स uh, uh, like talk, होती हैं है और खत्म हो जाती है कहानी एक्चुअल वर्कनिंग राइट सो आई थिंक वहाँ पर काफी काम है बट आई थिंक As, वो में में बोलते हैं ना कि पहले तो तो और आई थिंक इंडिया में तो, think, हम वहां पर हैं हाँ, हाँ, beyond, right? so, काफी पर राइट सो काफ़ी काम है जब यहाँ काम खत्म हो जाएगा देन वी गो टू नेक्स्ट लास्ट वाला

स्टार्टअप की वजह से भी ग्रो करते हो बिकॉज़ यू यू आर मैनेजिंग नो ऑफ दैट स्केल। आई ये हैं कि एक और एक ग्यारह नहीं हूँ आप. <laughs> <laughs> right? so, um, uh, आपकी हेल्थ के इशूज आते हैं कुछ पर्सनल लाइफ में हो सकता है तो जब वो सारी चीजें हो रही हैं तो काम रुक गए बिगेस्ट एक्चुअली

प्रोडक्ट खराब नहीं भेजेंगे hmm. ये मतलब बहुत क्लियर है सबको hmm. मतलब फैक्ट्री में जो पैकिंग करता है से जो डब्बा डिस्पैच करता है से जो वेयर हाउस मैनेजर है से जो मार्केटिंग देखता है से मै एवरीबडी अंडरस्टैंड एज लॉन्ग एज समबडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राइव दैट काइंड ऑफ कल्चर इंटरनली एंड हैज सो मच पैशन फॉर दैट काइंड ऑफ कल्चर एंड वॉट वी डू एंड बिलीव

राइट लाइक एज अ ह्यूमन बींग एज अ गर्ल आई आई टू नाइव मुझे नहीं पता था मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए एंड आई हेज टू फील कि नहीं यू नो आई शुड गेट सेटल्ड एंड देन ओनली आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज हाउ विल आई फिगर आउट द लोकेशन यू नो मे बी आई गेट मैरिड टू बॉम्बे इन बॉम्बे सॉरी एंड देन आई हैव टू स्टार्ट द बिजनेस इन बॉम्बे राइट सो बिकॉज ऑफ दैट नैरेटिव इन माई हेड फ्रॉम द टाइम आई टर्न ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टिल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन वो चार पांच साल में आई थॉट कि ऐसे ही है hmm.

बट एट दी एंड ऑफ द डे मैंने शुरुआत में ही मन बना लिया होता है ये करना है कि नहीं आई डू आई एक्चुअली टेक माई सेल्फ थ्रू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ यू नो प्लानिंग अ बिजनेस

तो कोई लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहोगे उनको अपनी जिंदगी में ग्रो करना एंटरप्रेन्योर बनना फीमेल पर्सपेक्टिव आप देना चाहोगे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कुछ um, देखो फीमेल uh, एंटरप्रेन्योर्स को तो मैं यही बोलूंगी कि पहली बात तो ये कि अगर आप कोई प्रोडक्ट करते हैं सर्विस करते हैं राइट पीपल लुक एट द प्रोडक्ट एंड सर्विस नोबडी चेक्स बैक किसकी फाउंडर इसका फाउंडर लड़का था या लड़की थी राइट right? तो ये जो नैरेटिव है कि फीमेल्स uh, को प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ नहीं है आई uh, अगर ऐसा है इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है बट आई थिंक ग्रास इज ग्रीनर वेरी वाटर इट सो डोंट वाटर द आइडिया राइट दैट्स फर्स्ट सेकेंड आई फील दैट अ लॉट ऑफ फीमेल्स एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ इशूज बिकॉज यू नो एक बहुत ही अंडरलाइन पेरेंट्स का एक व्यू होता है कि लड़की को सेटल करना मतलब उसकी शादी करना hmm. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में विच पुश यू बैक आई एम नॉट सेइंग यू इट से पुश यू बैक बट अपने प्लान्स ना तभी बताओ सबको जब दे हैव टेकन सम फॉर्म डोंट सडनली स्टार्ट

इंटरव्यू आ गया उसका नहीं नहीं ट्रेंड पे मत जाओ मैंने ट्रेंड ट्रेंड के चक्कर में बीटेक की थी इट <laughs> really मैंने कहीं पेज मैं... इक्वेजन नहीं लगाई

एक्टली <laughs> exactly जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है और कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज बना लिया तो अपीट एंड आई सो हार्वर्ड लेसन फ्रॉम लाइक एक क्लास प्रोफेसर एक्चुअली लाइक ऑल दोज लेक्स फ्री और उनकी व्यूअरशिप क्या कुछ भी नहीं सो इमेजिन सो मच गोल्ड कॉन्टेंट दैट इज सिटिंग विच इज ऑल फॉर फ्री राइट एंड सेकेंड आई वुड वु सजेस्ट दैट यू नो सबको स्टार्टअप करना है और सबको इक्कीस साल में शुरू करना है आप कर सकते हो आई एम नॉट सींग But my suggestion would be work with somebody you know who has like at least ten years more experience than you. Right. Because that's actually a shortcut in the ladder. वो लूडो में जैसे एकदम सिक्स आता है ऊपर जाते हैं ना. हाँ हाँ. Actually that's a shortcut. Hmm. आ, क्योंकि आपको काफी अगर आप observe कर रहे हो उनको तो आपने काफी learning तो ऐसे ही हो गई आपने. Right. You've saved actually a lot of years you know.

बट एज़ far as i know i think उनको कोई पैसे नहीं मिले थे। in fact they invested like shoot days you know they start so early in the morning and they like 12 रात को 12:30 भी बचते हैं तो इट्स एक्चुअली लॉट ऑफ हार्ड वर्क हार्ड वर्क राइट या सो ऐसा नहीं है सेकंड आई वुड से जो आप देखते हो दोस आर एक्चुअली वो कट कट के कई बारी एडिटिंग होती है वो राइट तो ऐसा नहीं है कि वो पहली वाली सीक्वेंस जो देखी आपने वो वैसे ही थी वो कभी आगे पीछे आगे पीछे होता है वो

नॉट बुलिट बुलिट बट उनके साथ मतलब ऑफकोर्स देर वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट एंड आई थिंक दैट वज द ब्यूटी ऑफ द शो राइट एवरीबडी वॉज वेरी ब्लंट नहीं अच्छा लग रहा है बिजनेस आइडिया तो बोल दिया कि नहीं आई थिंक अश्र हैज़ बीन स्क्रिप्टेड आई मीन हाँ वो एक जो पहला पार्ट हम आके बोलते हैं राइट अपने बिजनेस के बारे में दैट एवरीबडी लर्नस

यार मतलब आप हाँ मतलब ऑफिस ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक्टर थोड़ी हो हाँ, आप चला रहे उसके हो बाद हाँ, हाँ, फिर जैसी हुई थे, then, हाँ, then was, was, आपको यू नो इट्स शो राइट 136 करोड़ जनता ने देखना है जो सोनी टीवी देखती है थोड़ा उसके लिए फिर पॉलिश क्योंकि नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स तो ऐसे नहीं ग्लैमराइज करते हैं राइट देयर ओन थिंग तो वो थोड़ा बहुत होता है व्हिच इज ओके नाइस ठीक है कोई लास्ट फाइनल थॉट कोई मैसेज इज ग्रेट इट इज ग्रेट ठीक है ठीक है डन करते हैं सो so, मैं जितनी भी चीजें होंगी लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप जाके जरूर प्रोडक्ट इनका